एम्पायर कानून के मुताबिक हमारी पहचान छिपाने के लिए हमें इंसानों के साथ अमल के साथ रहना होगा और एक की भी जान नहीं लेनी है। तुम भली भांति जानते हो कि एक नियम तोड़ने की सजा क्या होती है। किस आधार पर? शायद तुम एक बात भूल रहे हो मेजर, कि अर्ल निकोल ने खुद कानून मुझे अपने हाथों में दिया था। डूडली फैमिली हमेशा अपनी हद से बाहर थी। प्रशिक्षण कर रहे हो आधी ब्रीड है। ओ तो ये एक डेवोकर है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके सामने टिक पाओगे। एक और सुंदर और सुहानी सुबह। 2 साल पहले आज के ही दिन किसी ने कहा था कि उन्हें यूएसए के टेक्सास शहर में एलियन दिखा था। 8 महीने पहले किसी ने कहा कि उन्हें टोक्यो के उत्तर दिशा में एक रोशनी दिखाई पड़ी। पिछले हफ्ते किसी ने बताया कि उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई पड़ा है, और आज क्या पता किसे क्या दिख जाए। कितना सुंदर है, आज मेरा लकी डे है। लेट्स गो लकी लैंप। रख लो थोड़ा, बस 1 साल और, मेरे ग्रेजुएट होने से पहले रिटायर मत हो जाना। तुम्हारी बाइसिकल है काफी अच्छी जो तुम्हें दे रही है 4 सालों से सवारी। हाँ काफी वफादार है। वैसे मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। तुम भी तो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे अपना ब्रेकफास्ट दे रहे हो। निकाल सैम पागल। ये सैंडविच मैंने बनाया है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं, तो बताना जरूर कैसा बना है। ये टेप पूरे 2000 का है। ये कबर्ड मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। अपने काले चश्मे से दिखता नहीं कि हम यहाँ बाइसिकल ठीक कर रहे हैं। ओ तो ये बाइसिकल है, अच्छा मजाक है, करते रहो। तुम सच में इसे बाइसिकल कहते हो? मम्मी बिल्कुल सही कहती है, कुछ लोगों के अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं होती, बात करने की तमीज नहीं इन्हें। इस कबाड़ के बीच अपना समय बर्बाद मत करो, किसी सिक्योरिटी गार्ड से बोल के इसे हटवाओ। मुझे भी शिकायत है, पैसों का तो ऐसा घमंड है जैसे ये सड़क इनके बाप की है। छोड़ो उन्हें, क्लास का समय हो रहा है, वैसे भी ये लफंगे हैं जो मन में आए बोलते रहते हैं। हाँ?
क्या तुम ठीक हो? बोलो ना। देखो, मुझे माफ कर दो। मरना ही चाहती हो तो दूसरों को मत घसीटो। कौन है ये? आते ही इतने नखरे। हे, तुम ठीक तो हो ना? ओ, तो तुम यहाँ डालने के लिए वो पैसे उठा रही थी, तभी तो वो बंदा तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम भी ना कुछ भी करती रहती हो। मैं नहीं चाहती कि उनकी वजह से मेरा मूड खराब हो। खुश रहना बहुत आसान है। सुबह तुमने अपना फोन किचन में छोड़ दिया था। शुक्रिया मेरी जान। ये लो। वाओ, तुम मुझे फिर से इतने पैसे दे रही हो। आर्या डाइनिंग कूपन, इसे तुम दोपहर की चाय में डिस्काउंट ले सकती, लेकिन ये आज एक्सपायर होगा। ओ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ? एक नया हैंडसम सा लड़का आया है। मुझे भी दिखाओ। हाँ? ये वो नहीं हो सकता है ना? ये वही है। मैंने सुना था कि इसे किसी ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया था। इसका नाम रॉय ठाकरे है। वो कितना हैंडसम है। तुम्हें पता है, वो 6 फीट लंबा है और 23 साल का है। कितना कूल है। मैंने सुना उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इसको आज तक गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मुझे नहीं मिले। लगता है तुम्हें वो पसंद आ गया है ना? एक हैंडसम कूल गिफ्टेड स्टूडेंट, ऊपर से अडॉप्टेड, ये तो मेरे लिए ही बना है। मैं तो कुछ ही देर के लिए वॉशरूम गई थी, इतने सारे लोग कैसे आ गए? उस हॉट गाय को देखने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। आज तो काफी सारे स्टूडेंट्स आए यहाँ। मुझे नहीं पता था कि तुम में से किसी को यूरोपियन हिस्ट्री में इतनी दिलचस्पी है या मेरी तरह फॉसिल्स में। तो ठीक है, पहले हम पिछले हफ्ते के होमवर्क पे आते हैं। पोजीशन इसका कस्पर कंटेंट भी है और अंडरस्टैंडिंग भी, और उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया गया है। बहुत गुड। थैंक यू प्रोफेसर। लॉक है ला। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? चाय, शरबत, धनिया, अदरक, और यही नहीं, इस वाले में तो चावल के दाने भी हैं। माफ करना प्रोफेसर, जल्दबाजी में इसे सही करने का वक्त नहीं मिला। इस कचरे को तुम ही संभालो। जिंजिल, मैं बॉडी प्रेसिडेंट की स्टूडेंट एंजेलिना हूँ। हाय, मेरा नाम आयदा है। हे भाई, देख वहाँ। स्टूडेंट्स के होमवर्क को कुछ ही देर में लौटाता हूँ। चलो तो क्लास शुरू की जाए। लास्ट टाइम हमने बात की थी मनी और चेंजेस इन कल्चर की। 18वीं शताब्दी की यूरोप में एक अलग प्रकार का पैसा था। एक डिजाइन पर डडली परिवार शिखा का इस्तेमाल किया है। रहस्यमय डडली परिवार, 18वीं शताब्दी की बात है। जॉन डडली, ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, जिसने फ्रांस सिंहासन के उत्तराधिकारी से शादी की लेडी जेन ग्रे। यहाँ का मशहूर विद्यार्थी, या कहें सबसे मशहूर पुरुष विद्यार्थी। हाँ, तुम इतना समय ही है तो एक सवाल का जवाब दो। आखिर डडली परिवार अचानक गायब क्यों हो गया? क्योंकि उनका विश्वासघात विफल हो गया था, जिससे उनके परिवार का खात्मा हो गया। पर प्रोफेसर, आपने एक चीज गलत बताई। जिस इंसान ने लेडी जेन ग्रे से शादी की थी, वो जॉन का बेटा गिल्डफोर्ड था। मेरी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हो?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2009 के पेपर के अनुसार सेक्शन 13, 1836 बताता है कि गिलफोर्ड ने ही फ्रेंच सिंहासन की लेडी जैनी ग्रे से शादी की थी। अरे यार, प्रैक्टिस के टाइम ही मौसम ऐसा होना था क्या? शुक्र करो बारिश ना हो। अब जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। Let's go! मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ओसाका कॉलेज के जूडो फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आऊंगा। दुखी मत हो ना। मैं ठीक हूँ, चलो शुरू करें। बाप रे, जरा टाइम तो देखो। हाँ, मेरी दोपहर की चाय का डिस्काउंट। मुझे पता है बहना, बस 6 मिनट बाकी है, जल्दी से मेरी चाय ऑर्डर करो। सॉरी। रुको, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो कूपन चाहिए जिसमें तुमने पैर रख दिया। ये मैं सोचो कि तुम हैंडसम हो तो तुम्हारे पीछे सभी लोग पड़े रहेंगे। हाँ, मेरे 350 रुपए। 350 रुपए तो है, इसमें क्या बड़ी बात है? हे, मेरी बात सुनो, सब लोग तुम्हारे जितना अमीर नहीं होते। तुम्हारे लिए होंगे ये चंद पैसे, लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत से हैं जो पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मुझे हर एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, छोटे से छोटे का हिसाब। तुम्हें पता है, इन पैसों से मैं 4 ब्रेड खरीद सकती हूँ, ताइवान से साइवान तक बस में जा सकती हूँ। और तो और, हे रुको, तो अगर तुम्हारे पास कूपन नहीं तो दोपहर की फ्री की चाय भी नहीं, चाहे तुम चाय के लिए कितना भी तड़पो। मैं कोई आयरन मैन थोड़ी हूँ, मैंने 2 पाइनएप्पल खाए थे। फिर से रात के लिए इसे बचा रही हो? मुझे होमवर्क भी तो करना है, अब उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना रात में। मैं सब साफ करने जा रही हूँ। वो दोनों स्टूडेंट काफी मेहनती हैं, उन्होंने काफी मेहनत की है। हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना, और मेरे लिए कोई जॉब हो तो मुझे तुरंत बताना। शुक्रिया, बाद में करते हैं, बाय। डरा कर मारना चाहते हो क्या? आप किससे इतना देर बात कर रहे थे? दोस्त था। क्या आप ये दुकान बंद करना चाहते हैं? हाँ, मैं बंद करना चाहता हूँ। बॉक्सेस देखो, रिसीट्स देखो, सब फैला हुआ है। हमने सब सुन लिया है ना, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। तुम्हें क्या लगता है मैं यही चाहता हूँ? दिख नहीं रहा, भाड़ा बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, पानी बिजली गैस सबका बिल बढ़ रहा है, सिर्फ हमारा वेतन ही नहीं बढ़ रहा। मैं कर्जे में नहीं डूबना चाहता, इसलिए ओनरशिप किसी और को दे रहा। आपने खुद कहा था कि आप चाहते हैं कि कस्टमर खुशी से खाएं और पिएं, अगर आपको कम फायदा भी हो रहा है तब भी आपको डटे रहना चाहिए, आप हार नहीं मान सकते। आपने इतनी मेहनत की, ये सब यूं ही जाने देंगे? आइडिया, हम अपनी सैलरी थोड़ी कम कर लेते हैं। क्या? हमारे बॉस वैसे भी इतने अच्छे इंसान हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ। तुम दोनों बहुत अच्छे हो और अच्छे बच्चे भी हो, शुक्रिया। क्विक डिलीवरी सी फूड रेस्टोरेंट। हाँ, थैंक यू मिस्टर कैन। वो नया ऑर्डर आया है। ओ, एक और। हो गया मैं तेरा, रातों को न सोया, जब से तुझे देखा हर पल तुझको चाहूं, बस मैं, बस मैं तेरा होना ही चाहूं, बस मैं, बस मैं।